ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ माय डियर बीइंग्स, मेरे प्रिय अपनों, आप लोग यहां पर देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का योग। इसकी परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे अपनों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक वाक्य बनाते हैं, यही वह प्रक्रिया है। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की तीन विधियां होती हैं। इस प्रकार सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की निम्न तीन विधियां हैं। पहला विधि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरी विधि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तीसरी विधि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना यानी यौगिक वाक्य बनाना। अब पहली विधि है यहां पे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें पार्टिसिपल द्वारा, ए है पार्टिसिपल द्वारा, यानी पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपल भी तीन होते हैं, पार्टिसिपल तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि बीच अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल है जबकि वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड भी होता है, लेकिन जेरंड कब होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जब वो करता काम करता है, जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग तैराकी आपका वो करता का सब्जेक्ट का काम करना इसे जेरंड हुआ। लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम तब करता है जब वह कर्ता का काम ना करे, क्रिया का ही काम करे। जैसे सींग अ लायन दे रहे नवे, एक सींग देखकर वे भागे। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल एक क्रियात्मक शब्द होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात ये वर्ब प्लस आईएनजी वो करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तीसरा, अर्थात ये हैव बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो अब जो है विद माने यानी अर्थात होता है। अब यहाँ पर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बोलेंगे तो देखिए एज जैसे सी सा ए लायन वह एक शेर देखिए असी रहे नवे वह भागी। अब इसका सिंथेसिस करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस है, दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा। प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा मतलब वर्ब प्लस आईएनजी द्वारा। तो इसके लिए सारा पदार्थ हम सी लेंगे और इसमें धन ये आईएनजी लगा देंगे, सी हो जाएगा, फिर ये लायन ले लेंगे। सी देखना आईएनजी कर देखना कर देखकर ये लायन एक शेर देखकर असी रहे नवे वह भागी। सी सा ए लायन वह एक शेर देखी असी रहे नवे वह भागी। तो यहां हो गया सी ए लायन इसे देखकर सी रहे नवे वह भागी। इस प्रकार से ये बन गया। या आप इसको ले लीजिए, पहले सी रहे नवे वह भागी, असी के लायन को इधर कर दिया तो काम आ गया। यहां पर काम ऐसे लगा क्योंकि एक शेर देखकर के लगा था रुकावट आया तो काम लग गया। सी के लायन एक शेर देखकर फिर भागी, तो यहां हो गया सी रहे नवे वह भागी, सी के लायन एक शेर देखकर। तो इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा आपने देखा ये सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब ये देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म भी अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां देखिए तो पास्ट पार्टिसिपल द्वारा आप बना रहे हैं
सिंपल शब्द में बोलते हैं सिंपल शब्द में इसको जैसे आई साय मैन, आई मैंने साल देखा, जहां जब मैंने उसका हिंदी में बोल रहा हूँ आई मैन साल देखा, एक मैन आदमी, मैं एक आदमी देखा, एक बार देख लिया पांच सात डेढ़ मिनट या मिनट का मिनट के लिए एक कपड़े हो जाएगा, अब ही नहीं हो रहा है। इन वाले कपड़ों में ऐसी यह एक चादर से ढका हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे यानी एक दो तीन सिंपल सेंटेंसेस हैं, तीनों को जोड़ के सिंपल सेंटेंस देखिए बनता है। तो आई सा मैंने देखा, अब ये डेट क्या है, मैन की विशेषता है, तो डेट को लाइक मैन के पास लगा दिए, एक डेट मैन, एक अमरीक आदमी, मैंने एक आदमी देखा, डेट आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, आपका आपका सॉरी आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से कवर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिए। तो आई सा ए डेट मैन, मैंने कभी आदमी देखा, कवर्ड विद ए सी एक चादर से ढका हुआ, तो मैंने मैंने एक चादर से ढका हुआ एक मिनट आदमी देखा, ये हो गया। इस तरह से आपका वर्ग का थर्ड फॉर्म ये आ गया, वर्ग का थर्ड फॉर्म, तो इस प्रकार से ये पास्ट पार्टिकल से जुड़ गया। अब आपका परफेक्ट पार्टिकल द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाना देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिकल क्या होता है, विच अर्थात हैविंग या आर या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे अब यहां पर देखते हैं परफेक्ट पार्टिकल को दो जोड़कर, सॉरी सिंपल परफेक्ट पार्टिकल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर जैसे राम के रावण, राम ने रावण को किल मारा, ही रिटर्न टू अयोध्या, वह अयोध्या लौटे, वह अयोध्या को लौटे यानी वह अयोध्या लौटे। अब यहाँ पर आपने क्या किया, हैविंग और वर्ड का थर्ड फॉर्म लेना है, हैविंग और आपका वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग किल्ड सेकंड फॉर्म भी होता है, किल्ड थर्ड फॉर्म भी। तो हैविंग किल्ड रावण, हैविंग किल्ड रावण, हैविंग किल्ड किल्ड यहाँ पर वर्ड का थर्ड फॉर्म है, और हैविंग है मन रखना होता है, लेकिन जब वर्ड के थर्ड फॉर्म को पहले आया होता है आईएनजी रूप में, तब उस हैविंग माने के बाद हो जाता है। तो किल्ड माने यहाँ पर रख चुका, नाउ करके थर्ड फॉर्म यहाँ पहला फॉर्म का अर्थ निकालेगा हिंदी अर्थ, किल्ड माने रख चुका, किल्ड हो जाएगा मारने, किल्ड का अर्थ मारने हो जाएगा हैविंग के बाद, मारने के बाद रावण रावण को, तो हैविंग के लिए रावण रावण को मारने के बाद ये रावण को यहीं पर ट्रांसफर करा देंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ठीक है, देखो राम रखने हैं, ये राम के लिए आया है चूंकि, तो राम रिटर्न टू अयोध्या, राम अयोध्या लौटे। तो हैविंग के रावण रावण को मारने के बाद राम अयोध्या लौटे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने पार्टिकल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना देखा इस वीडियो में। अब आगे आप जो है नेक्स्ट वीडियो में इंफिनिटिव द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।